तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव चौधरी के बहुत ही फ्रेश कमाल शानदार जबरदस्त कमाल के मसालेदार एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों मैं हूं ऑलरेडी, जाने वाला हूं बाहर, थोड़ा सा दिल्ली में घूमते हैं फिलहाल। तो अगर लोकेशन यही है लाइट्स के सामने, जहां पे रोशनी बहुत ही सही आती है फेस पे, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ी सी शॉपिंग होने वाली है, थोड़ा सा बाहर जाके कुछ कुछ मैं एक दो लोगों से मिलने वाला हूँ। प्लान करते हैं, देखते हैं ब्लॉग कैसा है। बाय द वे, आज रात को मेरे को सीधा एयरपोर्ट भी भागना है, दुबई जाके बहुत सारे काम करने वाला हूँ, बहुत सारी क्रेजी कमाल वीडियो को देने वाला हूँ। वैसे असली कमाल यही पे होता है, अगर हम कैमरा ऐसे लेके जाए ना, तो सोचो आप, इधर लाइट, नीचे पता नहीं कितने वॉट का बल्ब लगाए, लेकिन जो सामने हमारी 1000 वॉट की स्माइल है तो वो मतलब ज्यादा चमक जाती है। तो यहाँ पे बस हम निकलते हैं, मैं रेडी हो गया हूँ। तो मतलब ज्यादा ऐसे ना, जब आप एकदम क्या बोलते उसको, प्रॉपर तैयार हो गए जब आपके जाते हो ना बाहर, तो ऐसे फील अलग अलग ही आता है। तो मैं तो ऑल सेट हूँ, देखते हैं दिल्ली में आज क्या कमाल करते हैं। चलो ये मैं क्या देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है आईफोन 13 प्रो से, पीछे लगा रखा है एप्पल वाला वॉलेट। कितने गाड़े इसके अंदर, 2 या 3? तीन ही आते हैं क्या? हाँ। बहुत पैसा आ रहा है भाई, मेट्रो के कार्ड तो नहीं है भाई। इंडिया में ना मतलब फेस्टिवल सीजन का जो मजा आता है वो आप देख रहे हो, पीछे जो पूरा रश है। मैं हूँ फिलहाल सेलेक्ट सिटी मॉल में, और चारों तरफ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा रश है। और अभी के लिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा कुछ यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो शॉपिंग की जाए, तो सर्च करते हैं क्या अच्छा मिलता है, तो फिर शॉपिंग करते हैं, फिर मैं आगे निकलूंगा। बिकॉज एटलीस्ट मेरे को यहाँ पे आके देख के अच्छा लग रहा है यार, इतने लोग इतनी देर बात देखे हैं, ऑल्दो पूरी प्रोटेक्शन के साथ में। घूमते घूमते यहाँ पे एक बहुत ही सही चीज दिखी, आपको दिखाता हूँ। बिकॉज मैंने ये इंडिया में पहली बार देखा है, मैंने यूएस में बहुत देखा है कि न्यू बैलेंस जो है ना, उसके स्टोर्स मैंने इंडिया में पहले नहीं देखा। मजे की बात, 50% का ऑफ चल रहा है, तो अंदर चल के देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या मिलता है। अगर मेरे को मेरे साइज कुछ मिल जाते हैं तो यहाँ से जूतों की शॉपिंग, आप जानते हैं मेरे को कितना ज्यादा पसंद है शूज। लेट्स सी, लेट्स होप, क्या पता कुछ तो अच्छा मिल जाएगा। गाइस मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, थोड़ी भी मेरे को ना जूतों का शौक तो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ ना चीजें, ये क्योंकि अच्छी बात क्या है ना, मैंने न्यू बैलेंस इंडिया में देखा नहीं है, मेरे को आइडिया था कि इंडिया में न्यू बैलेंस है, ये तो यूएस में मेरे को मतलब बहुत चलता है, यूएस के अंदर बहुत चलता है। तो मैं एनीवे तब जानते हो कि आजकल तो फिटनेस वगैरह है, तो सीन मिलना चाहिए कुछ तो लेते हैं, मन तो कर रहा था सब लोग। यार आपको जूते पसंद है, अगर है तो मुझे बताओ, बिकॉज मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है। और ये देखो मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है। क्या क्या बनी हिंदू? अरे ये तो बस बैलेंसियागा पहना है राहुल ने। चलो एनीवेज शॉपिंग करते हैं। क्या क्या है रनिंग के लिए? और नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए रनिंग और नॉर्मल। एक बार कुछ साइज ट्राई करते हैं। फर्स्ट साइज का ट्राई करते हैं। 40 साइज का। लुक फ्रेश। ऑनेस्टली ना मैंने कभी पर्सनली यूज़ नहीं किया, देखा बहुत है मैंने, बिकॉज यूएस में ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अभी, है मेरे को कुछ मौका नहीं मिला, ट्राई कर रहा हूँ। यूएस 11.5 का हाफ साइज पहन जाता है। अच्छा, ये जो मैंने पहना है ना अभी, ये आई थिंक फ्रेश फोम था क्या? हाँ बट सही लग रहा है। मुझसे ज्यादा ना जूते राहुल को पसंद है, बेसिकली ऐसा है कि हम दोनों के पसंद है राहुल, जो अगर जूते की दुकान में चुप बैठा मतलब कुछ तो बात ऐसा मौका शायद बार बार ना मिले, बिकॉज 50% ऑफ है अभी, और अगर 50% ऑफ है तो अभी क्या लाइफ स्टाइल मेरा मन कर रहा है कि यहाँ से तो बढ़िया भाभी के लिए भी शॉपिंग हो सकती है। सेल का मौका तो सेल अभी है ना, कब तक? मैं सही टाइम पे आया हूँ, संडे से जस्ट पहले, आज शनिवार का दिन है, सारा काम करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। गाइस वैसे मैं इतने सारे शूज देख चुका हूँ यहाँ पे, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 है क्या? मेरा मेरे को ऐसे बोलूंगा तो मेरे को तो लगेगा कि सारे अच्छे लग रहे हैं। बट एनीवे इसमें खास बात आपको दिखाता हूँ, इसको निकालना है ये ना, ये कस्टमाइजेबल शू है, ये वाइट लगाया तो वाइट बन गया अभी, नहीं वो दो दिखा दो, दिस इज नाउ रेड, तो एक के पैसे में 4 का फायदा मिल जाएगा ना। अभी इंस्टाग्राम पे तो पता ही है आपको, सब लोग देखते हैं कौन सा जूता पहना है, एक दिन ये लगाऊंगा एक दिन ये लगाऊंगा, लोग कौन सा वाला जूता है, अगर 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 उसने ये वीडियो नहीं देखा हो तो लेके जाने मिलेगी, लेकिन सामान ज्यादा नहीं, वजन तो बहुत है मेरे पास, वजन तो मैं
जयपुर को तो मैं फ्लैट में लेके आ सकता हूँ, इतना इतना तो अलाउड है मेरे को। करते हैं कुछ 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 करते हैं, प्रबंध है। सो फार सो गुड, बट ओनली प्रॉब्लम इज जूते कौन उठाएगा। मैंने जोश जोश में बाहू को के न्यू बैलेंस के नाम पे ले तो लिया 7 जोड़ी, बट चलो एनीवेज, यहाँ से मेरे गाड़ी से होटल तक फिर आगे फ्लाइट में तो आज तो कांड होने वाला है। उधर से बोले गए आज तो जूते की शॉपिंग हुई है, जहाँ गाँव में बह गया ऑर्डर बह गया, क्या होते हैं सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। 2 hours later तो दोस्तों अभी गाड़ी के डिक्की में तो है, साथ साथ जूते और साइड से भाई जा रहा है पल्सर के ऊपर बहुत तेज, पता नहीं कहाँ मीटिंग हो रही है रात को इतना लेट। बट एनीवेज मेरे पास में दोस्तों क्या है अभी आपको दिखाता हूँ। मेरे पास में है एक, मेरे को लगा थोड़ी शॉपिंग और कर ली जाए तो यहाँ पे शॉपिंग थोड़ी सी एप्पल से हो गई है, बाय द वे वो ऑन द गो हुई तो उस टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। बट एनीवेज यहाँ पे आ गया है अपने पास में ऑल न्यू आईपैड मिनी, और इसका भी मज़ा लेंगे अभी। अभी आईफोन्स तो आ ही गए हैं नए, ये आईपैड मिनी आ गया है 256 GB वाला, 6th generation, वाईफाई प्लस सेलुलर, और ये कौन से कलर में लिया था यार अपन ने, भूल गया, पर्पल था ना ये वाला, पर्पल आईपैड मिनी, बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम नॉट श्योर क्वालिटी कैसी बन रही है, बट जैसी बन रही है आप जानती हैं, वीडियो तो अच्छा बनता है ना, तो वीडियो को तो आप खैर लाइक और शेयर कर दो अगर आपने तक नहीं किया। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा डिटेल में, अंधेरी अंधेरी रातों में सुनसान राहों में हम, आप जानते हो दोस्तों मैं रात को निकलता हूँ यार, मैं चाहे दिल्ली में हूँ चाहे मैं दुबई में हूँ, दुबई में तो अक्सर बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, वहाँ तो बोलता हूँ 3 बजे मैं घर से निकल रहा हूँ, 4 बजे घर से निकल रहा हूँ, खाली खाली रहता है, अच्छा अच्छा लगता है यार, मजा आता है उस टाइम पे। बट एनीवेज अभी होटल पहुँच रहा हूँ, फिर मेरी फ्लाइट है और फिर आपसे बात करता हूँ, तब तक एंजॉय करो मजे करो। ए फ्यू मोमेंट्स लेट ज्यादा शॉपिंग करके पता है क्या होता है, ज्यादा शॉपिंग करके ये होता है कितने हमारे पास में, ये 1 2 3 4 5 6 7 तो मेरे शूज खरीद लिए उस टाइम पे। अब बात आई है मेरे दुबई फ्लाइट की, मेरे को सामान पैक करना है, तो भैया पैकिंग का सामान ऐसा है कमरा हमेशा बिखरा हुआ रहता है, बट एनीवेज मैंने काफी चीजें पैक कर ली हैं, बट इसके लिए ये कार्टन मैंने मंगवाया है होटल से, पता नहीं कर रहा, हैंड टॉवल्स का बड़ा सा कार्टन है, अब जुगाड़ लगाएंगे इसके अंदर फिट करेंगे बंद करेंगे, और दिस इज हाउ वी ट्रैवल इन फुल स्टाइल, इंडियन से भाई जुगाड़ करना पड़ता है हर बार, चलो चलता है। दोस्तों लाइफ में अगर कभी प्रॉब्लम आती है ना तो आई मीन घबराना नहीं चाहिए, बस टेप का एंड ढूंढना हो तो कभी कभी घबराहट हो जाती है, बिकॉज जल्दी मिलता नहीं है। बट एनीवेज गाइस पैकिंग सफल हो गई है, हमने फाइनली हमारे सारे जूते इसमें पैक कर लिए, और अभी हम वो जी और बाहुबली वाला मोमेंट भी कर सकते हैं। इसके अंदर है 7 जूते, वैसे बाय द वे क्या आप जानते हैं तेजू के पापा के जूते क्या होता है, जानते हैं क्या, हम तो स्कूल में से मजाक करते थे ना, बिकॉज तेजू के पापा के जूते इज अ पैलिंड्रोम, उल्टा सीधा एक समान, उल्टा पढ़ोगे तो भी वही पढ़ोगे तेजू के पापा के जूते। तेजू कौन है, उसके पापा कौन है, ढूंढ के पता लगाओ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फ्लाइट में ऑलमोस्ट सो ही रहा था, मैं कुछ वीडियो नहीं बनाया, मैंने सिंपल जो है वो सभी नींद ली है, रेस्ट पूरा किया है, और अभी सुबह मैं पहुंच चुका हूँ दुबई, 6:05 हो गए। ये जो ब्लू लाइटिंग है बहुत सही लग रही है, और तारे भी हैं, क्या बात है, रात को इन्हीं स्टार्स के नीचे काफ़ी अच्छी नींद आई थी बाय द वे, और आज अभी रनवे दिखाता हूँ आपको, क्या बात है यार, lighting, I mean just see here how beautiful it looks. 5 minutes later. दोस्तों अभी ये जो सीन है ना ये है दुबई पहुंचने के आई थिंक 2 या 3 दिन बाद। वैसे आपको ना एक सीक्रेट बताता हूँ कि मैंने लास्ट पिज़्ज़ा खाया था पिछले साल 12 जुलाई 2020 को, मेरे को तारीख आज भी याद है, और उस दिन बहुत सारा खाया था, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक मैंने इतना सा भी टेस्ट नहीं किया पिज़्ज़ा, बट खाने से ज़्यादा खिलाने में मज़ा आता है, और आज हमारे पास में बहुत सारे पिज़्ज़ा है, बहुत सारे मतलब एक्चुअली बहुत सारे हैं।
चाहिए किसी को मतलब इसकी जो खुशबू आ रही है इतने सारे की, अगर गाड़ी के अंदर बैठूंगा तो उनको पता है आई एम श्योर पूरी कार में बहुत ज़्यादा खुशबू आने वाली है. ऑल 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 पिज़्ज़ा. और बाय द वे ये स्पेशल 1 meter पिज़्ज़ा है, ये पिज़्ज़ा हट का मिलता है यहाँ पे, जो मतलब एक्चुअल में इसको बोलते हैं लिमो पिज़्ज़ा. तो ऐसे इतना बड़ा आता है अगर आप जाके खुद लेके आओ, लेकिन अगर आप डिलीवरी मानो मंगवाते हो तो बिकॉज बाइक पर इतना आ नहीं पाएगा, तो ये ऐसे इसको हाफ ऑफ कर देते हैं. तो टेक्निकली ये ऐसे जुड़ के आप समझ लो इतना लंबा एक पिज़्ज़ा है. तो एनीवेज हमारे पास में बहुत सारे हैं तो डिलीवरीज करके आते हैं. डिलीवरी का अपना मज़ा है, खिलाने का अपना मज़ा है. मेरा तो पेट में खुशबू से भर लूँगा बिकॉज अगर मैंने ये सारे खा लिए तो कैलकुलेट करो कि कितनी सारी कैलोरीज होने वाली हैं इन सब में मिला के. कोई कर सकता है किसी गणित तेज है क्या? देखोगे ऑनलाइन कुछ तो मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन. चलो लेट्स सी, लेट्स गो, लेट्स डिलीवर पिज़्ज़ाज. मज़ा आने वाला है. तो इतनी खुशबू आ रही है ना इस टाइम पे अंदर, इतनी ज्यादा खुशबू है कि मतलब लग रहा है कि मैं किसी किचन में बैठा हूँ. बिकॉज चारों तरफ से एक तो गरम गरम है, ऊपर से गाड़ी में एकदम ऐसा पूरा कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो इसकी स्मेल हो गई एक ही जगह पे. तो काफी सही लग रहा है. मेरा डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि जो सारी खुशबू है उससे पेट भरने वाला है फॉर श्योर. और अभी टाइम लगेगा हमको, कम से कम आधा घंटा लगेगा बिकॉज बहुत सारे बॉक्सेस हैं. दोस्तों हमारा मिशन पूरा हो गया है और कुछ 35-40 मिनट का टाइम लगा और अभी भी गाड़ी में खुशबू है. बाय द वे गाड़ी में पिज़्ज़ा नहीं बचा है लेकिन गाड़ी में खुशबू अभी भी है. और वैसे ये ना अच्छी टेक्निक है, अगर आपको कभी मन करता है तो कुछ खाने का ना तो खुद मत खाओ, खिलाओ तो उससे खुद को खुशी मिल जाएगी और जो खुशबू है उससे आपको पेट ही भर जाएगा. तो आई थिंक डबल बेनिफिट वाली चीज़ है. बट एनीवेज अभी मैं जाने वाला हूँ भाग के वापस से घर और मैं थोड़ा सा अपना कुछ काम करूँगा, उसके बाद में मेरे को जिम निकलना है. तो वो आई थिंक 7 बजे का टाइम है यार आज मेरे पास में, सिर्फ अभी 1 घंटा 20 मिनट है बिकॉज अभी 5:40 ऑलरेडी हो चुके हैं. बट एनीवेज मैं जाता हूँ फुर्ती से काम खत्म करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ जब मैं. तो गाइस मैं हूँ फिलहाल रेडी अपने ब्रांड न्यू फ्यूल सेल वाले जूतों के साथ में. बाय द वे इसके अलावा मैंने जो लिए थे ना मेरे लिए, वो मैंने लिए हैं ये फ्रेश फोम वाले और मैं इसको ट्राई करूंगा. ये भी आपका वॉकिंग और जिम वगैरह के लिए आई थिंक मेरे लिए काफी सही रहेंगे. और फिर ये वाले, इसका तो सीक्रेट आपको बताइए, एक के वैसे में 4 का मजा. तो ये है लाइफस्टाइल वाले जूते. ये 3 लिए थे मैंने मेरे लिए, कुछ और शॉपिंग हुई थी भैया के लिए आपको दिखाऊंगा बाद में. फिलहाल मैं भागता हूँ, लेट हो रहा हूँ, जिम चलता हूँ. और काफी सही वर्कआउट था आज, मतलब काफी मजा आया. और अभी बस टाइम है अपना प्रोटीन शेक पीने के बाद में डिनर करने का. तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को भी यहीं पे रखते हैं.
ऐसे बॉडी काफी सही बन रही है अभी आपके लिए, और बहुत सारा काफी क्रेजी कमाल कंटेंट आने वाला है बहुत 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 जल्दी दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।